नमस्कार, मैं प्रिया पायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सभी विपक्षी दलों की चिंता को बढ़ा कर रख दिया है। दरअसल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को सभी समुदाय के पिछड़े और वंचित समुदायों को पूरी तरफ से ध्यान देना चाहिए, यानी हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी ने अब पसमंदा मुसलमानों की तरफ ध्यान देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से विपक्ष के लिए चिंता बढ़ गई है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां ध्वरीकरण होता है और मुस्लिम आबादी भगवा पार्टी के खिलाफ वोट करती है, वहां अन्य पार्टियों की भी चिंता बढ़ सकती है। खबरों के मुताबिक बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 8% पसमंदा मुसलमानों का समर्थन मिला, जबकि बीजेपी के विपक्ष में समाजवादी पार्टी थी जिसका ओबीसी आधार दलों से संगठन भी गठबंधन भी था और मुस्लिम वोटों पर अच्छी पकड़ भी थी। लखनऊ में पसमंदा मुसलमान एक सपा नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बाराबंकी जिले में एक सपा प्रत्याशी ने कहा था कि पसमंदा मुसलमानों का रुख बीजेपी की ओर हो गया है, जिन्हें संभालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जब वह पसमंदा मुसलमानों के गाँव पहुँचे तो लोगों ने फ्री राशन, एलपीजी सिलेंडर, आवास योजना की बात कहकर ये बात कही कि बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि दूसरी पार्टियां ये चीज नहीं दे सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में पसमंदा मुसलमान समुदाय से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को मंत्रिमंडल में जगह दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 34 मुस्लिम विधायक चुने गए जिसमें से 30 पसमंदा मुसलमान थे। सूत्रों की माने तो आरएसएस भी पसमंदा मुसलमानों पर फोकस करना चाहती है। ये वो मुसलमान हैं जो शिक्षा की कमी या आर्थिक हालात की वजह से पीछे रह गए हैं। ये संगठन पिछले मुसलमानों की मिनिस्ट्री में लाने का प्रयास करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर पसमंदा मुसलमान होते कौन है। पसमंदा फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि दबे हुए या सताए हुए लोग। भारत में 100 साल पहले पसमंदा आंदोलन भी हुआ था। बताया जाता है कि भारत में 85% पसमंदा मुसलमान हैं, जो कि दलित और बैकवर्ड माने जाते हैं। वहीं केवल 15% उच्च वर्ग के मुसलमान हैं, जिन पर अब बीजेपी फोकस करने में जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट लाइन न्यूज के साथ।